असलम डियर स्टूडेंट्स आई होप यू गायज विल बी फाइन और आज हम आ, करेंगे यूनिट फाइव की डिस्कशन ये थोड़ा लेट हो गया बस मेरे कुछ आ, चीज़ें थी जो करनी थी और दूसरी एफ एस सी से रिलेटेड एल एम एस की तो इस वजह से लेट हो गया आज ये डिस्कशन हम आ, करेंगे और इन कल मेरा सेशन है आप लोगों के साथ लाइव तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तब भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे ट फाइव वबाउट बायो एनर्जेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड क्वेश्चन नंबर वन इज बैक्टेरियो क्लोरोफिल्स कैन बी प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट यानी कि किस में बैक्टेरियो क्लोरोफिल्स नहीं हो सकता स्पायरोजायरा ऑप्शन ए ऑप्शन बी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ऑप्शन सी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑप्शन डी पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया देखिए अगर आपको नहीं भी याद ना सिंपल सा ऑप्शन में आंसर है कि तीन ऑप्शन में बैक्टीरिया बैक्टीरिया लगाया हुआ है उसने ठीक है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया ये सारे आपने पढ़े हैं फोटोसेंथेटिक उसमें बैक्टीरिया में चैप्टर सिक्स के अंदर के इन सब के अंदर क्लोरोफिल होता है

डेल्टा फॉसफोफक्टोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज जो है ना वो कोई रिडक्शन वगैरह या ऑक्सीडेशन नहीं करता जस्ट फॉस्फोरेशन करता है फॉसफोफक्टोकाइनेज भी फॉसफोरेशन करता है तो अब आपने ऑप्शन सर्च करना है एन ए और सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज में जो एन ए है वो एन प्लस को कन्वर्ट करता है इन टू अब एन ऑक्सीडाइज कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो रहा है इन टू एन टू वो एक रिड्यूस कंपाउंड है तो पीछे के आंसर बच गया बीटा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनिस अगर आपको याद हो तो ये क्या करता है ये एक्चुअली सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है इनटू फ्यूमारेट और इस प्रोसेस में सक्सिनिक एसिड से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लेके वो किसको डोनेट करता है एफ को ताकि वो एफ में कन्वर्ट हो जाए तो ये एक रिड्यूस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है सक्सिनिक एसिड एक रिड्यूस कंपाउंड होता है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है थ्री है जी फॉलोइंग टेबल कंटेन्स कंपेरिजन बिटवीन साइक्लिक्ड नॉन साइक्लिकोटोफॉसेशन सेलेक्ट अ राइट ऑप्शन अबाउट द कंपेरिजन साइक्लिक फोटोफॉसुलेशन नॉन साइक्लिक फोटोफॉसुलेशन का कंपेरिजन है अल्फा ये देखें तो ए टी पी एन ए डी पी एज प्रोड्यूस्ड ओनली ए टी पी प्रोड्यूस गलत सेकेंड ऑप्शन दिया है जी नो ऑक्सीजन इज रिलीज ऑक्सीजन इज रिलीज इट्स लुकिंग गुड फोटो सिस्टम ओनली पी एस सिस्टम सिस्टम ये भी गलत है तो इसमें जो राइट right ऑप्शन है वो है बीटा के जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती नॉन साइक्लिक में होती है क्वेश्चन फोर इज फीचर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सेप्टर मॉलिक्यूल यानी कि जो राट है उसके आपने फीचर्स देखने तीन फीचर्स हैं कि शुगर टाइप क्या है उसमें फॉस्फेट्स कितने होते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होती है तो पहला ऑप्शन है जी फाइव कार्बन कीटो शुगर नंबर ऑफ फॉसफेट्स दो हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जी आर फिर सेकेंड ऑप्शन है जी कि शुगर टाइप है फाइव कार्बन एल्डो शुगर नंबर ऑफ फॉसफेट एक है टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर शुगर टाइप है जी फाइव कार्बन कीटो शुगर फॉस्फेट उसमें एक है टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए शुगर टाइप है जी सिक्स कार्बन कीटो शुगर नंबर ऑफ फॉस्फेट दो हैं और टाइप ऑफ न्यूक्टर डीएनए है है तो देखें जो है वो एक कार्बन शुगर है मतलब उसमें दो फॉस्फेट होते हैं और आपको कैसे पता लगेगा कीटोन है या एल्डो है तो किसी शुगर uh, के आखिर में जब यू एल ओ एस सी लगता है तो इसका मतलब ये है कि वो कीटोन शुगर है तो आपने अब सर्च करना है आंसर के फाइव कार्बन कीटो शुगर टू फॉस्फेट एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है जी जाहिर है इसके अंदर आर एन एरिजन इसके अंदर आ जाता है ठीक है तो फाइव कीटो फाइव कार्बन कीटोशुगर है टू फॉस मॉलिक्यूल्स हैं और टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर है आर एन एरिजन नेक्स्ट है जी फाइव क्वेश्चन फाइव सेल प्रोसेसेस पारविक एसिड इन डिफरेंट वेस अब वो तरीके बताने हैं जिनमें वो पारोविक एसिड को प्रोसेस करता है सेल पहला है जी अल्कोलिक फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन ओके बीटा है अल्कोलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चार्ली है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एरो रेस्परेशन डेल्टा है अल्कोलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन अब सेल जो है वो एरोबिक देखें ग्लूकोज को पारोट में कन्वर्ट करेगा उसको वो ले जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में भी लेके जा सकता है अगर ऑक्सीजन नहीं है तो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी या अल्कोलिक फर्मेंटेशन होगी तो राइट ऑप्शन इज अल्फा

तीनों ऑप्शन के अंदर अगर आप देखो तो राइट ऑप्शन बनता है चार्ली के फ्र, पहले फ्रक टो सिक्स फॉसफेट है और कन्वर्जन के बाद वो वन सिक्स आ, बेस फॉसफेट हो रहा है यानी फॉस्फेट इसके अंदर ऐड हो रहा है जो पहला ऑप्शन है फॉसफेनोल पारावेट तो पारावेट तो उसमें फॉस्फेट खत्म हो रहा है दूसरे ऑप्शन में भी एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है जो डेल्टा ऑप्शन है अल्फा कीटो किटोग्लूटरेट और सक्सीनेट उसके अंदर जो है ना वो दोनों में से किसी के अंदर फॉस्फेट ऐड वगैरह नहीं हो रहा होता सेवन है जी केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज अल्फा टू फॉसफो ग्लैसीट टू फॉस्फोनोल पारोवेट बीटा एसिटाइल को एनजाइम टू सिट्रेट चाली फ्यूमा टू मेलेट डेल्टा नॉन साइक्लिक फोटोफॉसफोलेशन यानी कि पानी जिसमें रिलीज हो रहा हो जब एसिटाइल टाइल सिट्रेट में जाता है तो वाटर ऐड होता है फ्यूमारेट से मैलेट बनता है तब भी वाटर ऐड होता है तो और नॉन साइक्लिक फोटोफॉसोलेशन में वो ब्रेक होता है वाटर ऐड होता है तो राइट ऑप्शन क्या बन गया जी अल्फा ये ग्लाइकोलोसिस का स्टेप है जब टू फॉस से फॉसनॉल पारोवेट बनेगा तो रीअरेंजमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो जाता है एट है जी पिकअप प्रोसेस वे डी टेक्स प्लेस पारोविक पारोविट ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलोसिस रेस्पारेटरी चेन और कैलविन साइकिल यानी कि जहां जिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो राइट ऑप्शन है अल्फा पारोवेट की जब ऑक्सीडेशन होती है जब ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है इसलिए इसका दूसरा नाम पायरेवेट डी भी है बाकी तीनों प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती नाइन ए सिलेक्ट अ लेबल स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्व इन सेंथिस ऑफ एटीपी तो देखिए अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा है अल्फा में फोटो सिस्टम वन हुआ है बी के अंदर है, चार्ली में साइडोक्रोम सी है डेल्टा में जी ए टी पी सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा टेन इज पिकअप प्रोसेस विद डी कार्बोक्स टेक्स प्लेस अगेन दिस क्वेश्चन बींग रिपीटेड आंसर यू नो इट्स अल्फा पार ऑक्सीडेशन 11 is electrons released by एन during respiratory chain are accepted by ये माइडोकॉन्ट्री की बात हो रही है कि एन से जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो कहां जाएंगे अल्फा साइटोक्रोम बी बीटा प्लास्टोकोनिन चार्ली को एनजाइम क्यू डेल्टा फेरेडोक्सिन सो राइट ऑप्शन इज चार्ली को एनजाइम क्यू क्यू से फिर आगे बी और सी और फिर ए और फिर आखिर में ऑक्सीजन फेराडॉक्सिन रेस्पिरेटरी चेन में नहीं होता वो क्लोरोप्लास्ट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है ट्वेल्व वट इज़ ट्रू अबाउट एनजाइम इनिबिशन हाई एटीपी टी पी ओके लो एन ए डी एच इनिबिट्स पारवे डिकार्बोक्सिलस चार लो सिट्रेट इनबिट्स फॉसोफ्रक्टोकाइनेस हाई एन ए डी एच एक्टिवेट्स पारवेटिकार्बोक्सिलस देखें फासोफक्टो जब ए ज्यादा होगा ना तो इट मीन्स कि ग्लाइकोलोसिस चलाने की जरूरत नहीं है और फासोफक्टोकनेस एक, एक रेगुलेटरी एंजाइम है ग्लाइकोलोसिस का तो ऑब्वियसली इसकी इनिबिशन हो जाएगी तो राइट ऑप्शन है अल्फा बीटा ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता कि जो लो एन है ना उससे पायराविट डिकार्बोक्सिलेज इनिबिट नहीं होगा पायराविट डिकार्बोक्सिलेज इनिबिट होता है जब एन ज्यादा हो चूंकि फिर कैलवा वो जरूरत नहीं पड़ती ना साइकिल चलाने की स्टाइल को बनाने की इसी तरीके से जो लो सिट्रेट है उससे फासो फ्रक्टो इनिबिट नहीं होता एक्टिवेट हो जाता है और जो हाई एन है वो पायरेवेट डिकॉबॉक्सलेस को एक्टिवेट नहीं करता इनिबिट करता है तो अमंग ऑल द ऑप्शन राइट ऑप्शन इज अल्फा दैट इज़ हाई एटीपी टी पी इनएक्टिवेट्स फॉसोफ्रुक्टो काइनीस थर्टीन इज एंटीना कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अल्फा इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बीटा प्राइमरी एंड एसेसरी पिगमेंट्स चार्ली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डेल्टा वन और मोर मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स ओनली तो एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी चीज़ें होती हैं उसमें क्लोरोफिल ए भी है बी भी है और असेसरी पिगमेंट्स भी हैं तो राइट ऑप्शन इज बीटा प्राइमरी एंड असेसरी पिगमेंट्स फोर्टीन है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल व्हेन मिथाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय कार्बोनाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप एंड डेल्टा कार्बोनाइल ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप देखें कि मैंने बहुत स्लो स्लो इस चीज़ को क्यों पढ़ा है क्योंकि टाइम क्या होता है कि ये कन्फ्यूजन हो जाती है आप गलत ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो तो इसलिए इसको आपने बड़ा ग़ौर से देखना है कि क्या चीज़ पढ़ी जा रही है क्योंकि इसमें इन्होंने दोनों ऑप्शंस को मिक्स किया हुआ तो इसलिए क्लोरोफिल ए में आपको याद है मिथाइल ग्रुप होता है सी एच से याद रखना हाइड्रोजन बहत्तर और क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन 70 होते हैं तो जाहिर है सी एच थ्री नहीं है उसमें सी एच ओ तो दो तो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं तो, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है अब क्लोरोफिल ए को अगर आपने क्लोरोफिल बी में कन्वर्ट करना है तो आपने मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करना है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यानी सी एच थ्री वुड बी रिप्लेसड बाई सी एच ओ फिफ्टीन है जेंथोफिल्जर मोस्टली रेड टू ऑरेंज रेड टू ग्रीन येलो टू ऑरेंज येलो टू ग्रीन ये बहुत आसान है याद करना देखिए कैरोटीन्स कैरोटीन आपने याद रखना है गाजर से कैरेट से और कैरेट होता है रेड तो जो कैरोटीन होते, है, वो होते है। हैं वो रेड टू ऑरेंज होते हैं अब जाहिर है कैरोटीन रेड टू ऑरेंज है तो पीछे क्या बच गया येलो टू ऑरेंज तो जेंथोवल ऑटोमेटिकली क्या होंगे चार्ली दे हैव कलर दैट रेंज फ्रॉम येलो टू ऑरेंज सिक्सटीन इज नॉट सेम बिटवीन अल्कोलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सब्सिट मॉलिक्यूल दोनों में सेम है दोनों में पायरोवेडा प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये डिफरेंस है साइट फर्मेंटेशन दोनों साइटोसोल में होता है ये फर्क नहीं है और ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस को एनजाइम देखिए एनएडीएच जो होता है ना वो को एन ए होता है जब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो वो रिड्यूस कोएनजाइम हो जाएगा लेकिन आपने पढ़ा फर्मेंटेशन में दोनों एन कन्वर्ट हो जाते हैं एनए में तो ये प्रोसेस दोनों के अंदर हो रहा है तो जो डिफरेंस है बच्चों दैट इज बीटा प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस होती है जो इलेक्ट्रिक uh, फर्मेंटेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती 17 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रिकमिनन डी ए टेक्नोलॉजीज लाइगेशन रिस्ट्रिक्शन क्लोनिंग एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्शन लाइगेशन क्लोनिंग एक्सप्रेशन क्लोनिंग लाइगेशन रिस्ट्रिक्शन एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्शन लाइगेशन एक्सप्रेशन क्लोनिंग देखिए सबसे पहले आप रिस्ट्रिक्शन करते हो फिर आप रिकम्बिनन डी एन एज को लाइगेट करते हो फिर आप उसकी कॉपीज बनाते हो और फिर आप प्रोटीन बनाते हो तो राइट ऑप्शन इज बीटा प्लाजिक्शन साइट फॉर फोर डिफरेंट एंडो न्यूक्लियजिसन हाउ मनी स्टैंड वुड बी इन दोन ए मॉलिक्यूल आफ्टर एक्शन ऑफ एंडो न्यूक्लियसिस देखें एक प्लाज्मिट है डबल स्टैंडर्ड है उसमें चार साइड्स हैं तो चार साइड से वो काटेगा तो वन टू थ्री फोर तो चार स्टैंड प्रोड्यूस होंगे ना प्लाज्मिट है तो चार साइड से, तो 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 से अगर आप गोल दायरा लगाएं और डबल यानी डबल सर्कल हो एक अंदर एक बाहर तो ये प्लाज्मट बन गए इसको चार जगह से काटेंगे तो आपको फ्रेगमेंट्स कितने मिलेंगे चार चार फ्रेगमेंट्स हैं ना तो हर फ्रेगमेंट में दो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं तो टोटल डीएनए के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए उसके अंदर उन फ्रेगमेंट्स में आठ सो राइट ऑप्शन इज बीटा नाइनटीन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड प्लाज्मा ऑब्जर्विंग कॉन्जुगेशन इन एस्ट्रिचो कोला पनामा पाना बेसिले सप्टेला स्नाट्रसोमा कम्यूनिस्ट सो राइट ऑप्शन इज अल्फा एस्ट्रेच कोला बैक्टीरिया है यह ट्वेंटी प्रोसेस इन विच जीन ऑफ इंटरस्ट इज ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफेक्शन में ट्रांसफर करेंगे virus, तो आप यहां पर रेट्रोवायरस के जरिए स्किड को ट्रीट कर रहे हो तो यह ट्रांसडक्शन है फिर यह एंजाइम है उनके फंक्शन को आगे पीछे करके लिखा हुआ है तो हमने सही एंजाइम के नीचे वाला सही फंक्शन डिस्कवर करना है सो so, देखें ये ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ उसके आंसर ही आपको बताऊंगा। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इसका काम है सी की एन तो आप पहले चार ऑप्शन में देखें कि सी डी एन सेंथिसिस पहले कॉलम में कहाँ लिखी है वो है जी अल्फा और चार्ली में इसका मतलब बीटा और डेल्टा आंसर नहीं हो सकता पहले और चार्ली में देखें फर्स्ट ऑप्शन में देखें डी एन लाएगा इसका काम क्या है ब्रेकिंग ऑफ फासफर्ड बॉन्ड नो टैग पोलीमरेस का काम क्या का का फॉर्मेशन ऑफ आर एन एस स्टैंड जूरिंग पी सी आर नो इकोराई का काम क्या है मेकिंग ऑफ फासफर्ड बॉन्ड नो ये तो यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता अब रह गया तीसरा ऑप्शन चार्ली चार्ली में पहला ऑप्शन तो ठीक है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टी डी एन ए बनाता है डी ए लाइगा इसका लिखा प्रोडक्शन ऑफ कम्यून एंड ट्रू टैग टैपिमेरेस का लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डी एन एस स्ट्रैंड ड्यूरिंग पी सी आर ट्रू इको आर वन का लिखा है प्रोडक्शन ऑफ स्टिक एंड सो ये सारे ही ऑप्शन ठीक हैं तो राइट ऑप्शन क्या है जी चार्ली वन ऑफ जीन क्लोनिंग इज ंगज शी प्रोडक्शन बाइंड्री फिशन बैक्टेरिया पीसीआर एम्पलीफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पार्थिनोजेनेसिस देखें तीन तरह की क्लोनिंग होती है एक सेल की क्लोनिंग होती है एक इंडिविजुअल की क्लोनिंग होती है और एक मोलिकुलर क्लोनिंग होती है जीन क्लोनिंग होती है जो डॉली शी प्रोडक्शन है वो एक ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग है बाइंडरी फिशन इन बैक्टीरिया ये भी क्या है एक ऑर्गेनिज्मिक एक एक क्लोनिंग एक है बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है डौली शीप की प्रोडक्शन वो आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग है जो बाइनरी फिशन है बैक्टीरिया की वो नेचुरल ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग है से आपने चैप्टर 18 में पढ़ा हुआ है वो भी एक नेचुरल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग है तो पीछे राइट ऑप्शन क्या है पीसीआर एम्पलीफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जीन जी आप एक जीन को क्लोन कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पे की वर्ड पीसीआर एम्पलीफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जीन का जहां आखिर में वर्ड आ गया ना तो ये जीन क्लोनिंग हो रही है तो राइट ऑप्शन चार ली ट्वेंटी थ्री ऑल आर पार्ट्स ऑफ प्लाजमिक फॉर ए कम्बिन टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट सिक्शन साइट्स फॉर एंडो न्यूक्सिस होती हैं आर एन ए प्रोमोटर रीजन चार्ली एंटीबायोडिक रेजिस्टेंट जीन डेल्टा आर एन ए पोलिमरेजीन देखें सिक्शन साइट्स भी होती हैं एंटीबायोडिक रेजिस्टेंट जीन भी होता है लेकिन प्लाजमिक के पास अपना आर एन ए पोलिम्रेज नहीं होता तो वह बैक्टीरिया का यूज़ करता है तो इट मीन्स के उसके पास आर एन ए पोलिमरेज जीन नहीं होगा लेकिन प्रोमोटर रीजन होगा मैं आपको बता चुका हूं वायरस का प्रोमोटर रीजन इसमें होता है तो राइट है जी पार्ट आफ, पार्ट आफ, 24 कितनी देर के लिए की जाती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग देखें ये बिल्कुल एग्जैक्टली बुक याद करने वाला टॉपिक है जहां तक मुझे ख्याल है चार्ली है जी 1.5 तो आपने बुक वाली ही इंफॉर्मेशन याद रखनी है आई मे बी रॉन्ग लेकिन मुझे मेरा ख्याल है कि 1.5 पॉइंट मिनट्स है अगर गलत होगा तो आप मुझे करेक्ट कर देना हम इसको फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कैन बी क्रिएट बाई स्ट्रिक्शन एंड अल्फा ए जी 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 सी 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 बीटा ए टी ए जी सी ए टी चार्ली ए टी जी सी ए ए डेल्टा जी सी टी ए जी जी देखें शिक्षा एग्जाम्स क्लीव करते हैं पहला सीक्वेंस को ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जैसे ये फ्रेगमेंट चारों लिखे हुए हैं ना तो पहले जो ऑप्शन है जी 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 सी 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 इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएं इसका कॉम्प्लीमेंट रहा सी 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 जी 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 अगर आप ऊपर वाले स्टैंड को लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं तो बनता है जी 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 सी 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 और नीचे वाले जो आपने फ्रेगमेंट बनाया है इसको रीड करें तो वो बनता है सी 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 जी 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 तो ये रीडिंग सेम बन रहे तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनता है तो इसलिए राइट ऑप्शन अल्फा तो आप ये प्रैक्टिस करें खुद से सोचें फ्रेगमेंट्स और उन फ्रेगमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री बनाए और फिर दोनों को रीड करें लेफ्ट टू राइट और ओरिजिनल को लेफ्ट टू राइट रीड करें जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया उसको राइट टू लेफ्ट रीड करें अगर रीडिंग सेम बन है तो वो पैलोट्रॉमिक है रीडिंग सेम नहीं है तो पैलोट्रॉमिक नहीं है 26 है डिफरेंस बिटवीन इन वीवो एंड एक्स वीवो रेप्लीकेशन यानी जो आपकी बॉडी या सेल में रेप्लीकेशन हो रही है और जो आप पीसीआर कर रहे हो लैब में दोनों में क्या फर्क है नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट नो दोनों में डीएनए नहीं बनता है नेचर ऑफ प्राइमर्स यस जो इन वी वो जो बॉडी के अंदर है उसमें आर एन ए प्राइमर है जो आप एक्स वी वो रेप्लीकेशन कर रहे हो पी सी आर कर रहे हो जा रहे है। उसमें आर एन ए आप डी एन ए प्राइमर यूज़ करते हो चार्ली केमिकल नेचर ऑफ पोलीमराजिंग एन एन्जाइम दोनों में टैग पोलीमेरेज और पोलीमेरिज आपको पता है प्रोटीन है एंजाइम है डेल्टा पर्पज और रेप्लीकेशन भी एक ही है ताकि हम तादाद बढ़ा सकें नंबर बढ़ा सकें तो जो डिफरेंस है दोनों में वो है बीटा नेचर ऑफ प्राइमर्स ट्वेंटी सेवन है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैज एबिलिटी टू ट्रीट वायरल डिजीज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टिश्यू प्लाज्मा जिन एक्टिवेटर ग्रोथ हारमोन हेमोफीलिया फैक्ट्रेट देखें एक ऐसा प्रोडक्ट बताना है जिसको बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है वो वायरल डिजीज़ को ट्री ख़त्म कर सकता है ट्रीट कर सकता है तो गिवन ऑप्शन में इससे राइट ऑप्शन है अल्फा बी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है टिश्यू प्लाज्मा जिन एक्टिवेटर का रोल क्लॉटिंग के अंदर आता है ग्रोथ हार्मोन हेल्थ वगैरह इनक्रीज़ करता है जानवरों की हीमोफिलिया फैक्टर आपको पता है कि वो ब्लड uh, uh, जो हीमोफीलिया uh, के डिसऑर्डर उसको ट्रीट करता है ट्वेंटी बिगेस्ट चैलेंज इन क्लोनिंग ऑन 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 अल्फा ऑल ऑल जीन्स शुड 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 बी 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 टर्न 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 बीटा सम चार्ली ऑफ डेल्टा मोस्ट ऑफ द जीन्स शुड बी टर्न ऑन लेकिन जो सबसे बड़ा अडल्ट वर्टीप्रेड को क्लोन करने का चैलेंज है वो बुक ने लिखा हुआ है कि उसके स... जब वो अडल्ट स्टेज uh, में आ जाता है तो बहुत सारे जीन्स टर्न ऑफ हो जाते हैं कुछ टर्न ऑन होते हैं तो सारे ही जीन्स को टर्न ऑन करना जरूरी होता है तो राइट ऑप्शन अल्फा इन दैट इज इन इज गोकाइनेस नहीं ये तो कार्बोहाइड्रेट में होता है एडीनोसिन डी एम आइनिस ये ए डी ए हमने पढ़ा हुआ है स्किड ए, के प्रॉब्लम कॉज करता रहा नाम से भी ज़ाहिर है एडीनोसिन डी एम एंजाइम जो एडिनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें से एन एच टू ग्रुप को निकाल देगा आर जी ने ये भी नहीं है सक्सिनिक डाइट्रोजन ये भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है तो राइट ऑप्शन इसमें बनता है बीटा एडिनोसिन डी अमाइनिस थर्डी ए टू द जीन विच वॉज डिलीवर टू एक्सप्रेशन होस्ट बाय ए प्लाज्मिट ए डी ए जीन एसपार टेम जीन फॉर कोलेस्ट्रोल रिसेप्टर बोथ ए एंड बी यानी आपने वो जीन बताना है जिसको प्लाजमिट के जरिए किया गया ए डी ए जीन तो रेट्रोवायरस के थ्रू हुआ था और हेपेटिक जीन फॉर यानी कि लीवर का जो जीन था जो कि कोलेस्ट्रोल की प्रोटीन बनाता था वो भी रेट्रोवायरस के थ्रू हुआ था तो एसपार जो है इसको प्लाजमिट के थ्रू जो है वो ट्रांसफर किया गया था सो so, बच्चों आ, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड डिस्कशन ना समझ आई हो तो हम कर सकते हैं कल भी कर लेंगे जो हमारा लाइव सेशन होगा ठीक है और अगेन कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होता हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़